तो दोस्तों कैसे आप लोग। मैं आज आपके लिए कुछ कानजोड़ी की डिज़ाइनें लेकर आया हूँ जो लाइट वेट भी है और हैवी वेट, मतलब कि बड़ी डिज़ाइनें भी है, कुंदन वाली भी है, जिसको मैं वेट के साथ में बताऊंगा। आज की वीडियो में जितनी भी डिज़ाइनें बताऊंगा आपको, अगर पसंद नहीं आती है तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनों के मैंने वीडियो बनाए हैं कानजोड़ी के, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर उनमें से भी ना आए तो मैं आने वाले दिनों में आगे और बना दूंगा। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए नए आए हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बटराज सोनी, आप देख रहे हैं ज्वेलरी इनबॉक्स, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली डिज़ाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल राजपूती ईयरिंग्स की डिज़ाइन है। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आगे और भी डिज़ाइनें बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये डिज़ाइन देख लीजिए। 33 ग्राम यानी कि 3 तोलों में ये आपकी डिज़ाइन बन जाएगी, लेकिन डिज़ाइन अपने आप में शानदार है, कुंदन किया हुआ है और नीचे ड्रॉप भी लगा हुआ है कुछ ग्रीन और रेड में, बाकी नगीना कॉम्बिनेशन वाइट है, ऊपर चेन भी लगाए हुए देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, चेन लगा हुआ, चेन में मोती भी वाइट कलर के लगे हुए, बाकी कुंदन समेत इसमें 33 ग्राम वेट है और नगीनों का वेट है जो माइनस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। और डिज़ाइन जो है बहुत बड़ा है ये, अगर मेरे पास स्केल होती मैं आपको बता देता, लेकिन ये देख सकते हैं आप जिस तरीके का आइडिया लगा सकते हो, बहुत बड़ा है। अगर आप कान में पहनोगे तो बड़ा मुश्किल से, पता नहीं ये लेडीज़ लोग कैसे संभालते हैं, लेकिन यह बहुत ही बड़ा। और ये कुछ लाइट वेट में कुंदन वाली डिज़ाइन 8 ग्राम के समथिंग कुछ ये डिज़ाइन जो है बन जाएगी, और इसमें भी कुंदन किया हुआ है, ऊपर ग्रीन है तो नीचे वाइट है। बाकी आपको लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट चाहिए तो 4 साढ़े 4 ग्राम के समथिंग, मतलब 4 ग्राम के अंदर लगभग ये भी आपके बन जाएगी जो रेडीमेड शोरूम में मिलती है। बाकी आपको ये नगीना वाली डिज़ाइन है ये आप बनाना चाहे तो 14-15 ग्राम 14 ग्राम के समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये भी एक अच्छी डिज़ाइन है और रेड कलर का नगीना है इसलिए काफ़ी बहुत बढ़िया लग जाती है। और 7 ग्राम के समथिंग कुछ ये डिज़ाइन हो जाएगी, ये भी बढ़िया, इसमें नगीना लगा हुआ है और नीचे ड्रॉप भी लगा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये डिज़ाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप 916 में बनाएंगे तो वो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि 916 जो है उसका तो चमक भी बहुत बढ़िया आता है, अच्छा आता है। बाकी सुई धागा की बात करें तो इस टाइप से आप इसको सुई धागा बोल सकते हैं, 3 ग्राम नीचे जो लटकन में लगेगी वो डंडी जो पीछे आपको दिख रही है वह लटकन में लगेगी और ऊपर नगीना जो है आपके कान में रहेगा। बाकी आपको ये डिज़ाइन बनानी है, देखिए 3 तरह के इसमें लटकन लगे हुए और बीच में जो है वाइट कलर के मोती लगे हुए और साइड में एक ग्रीन और एक रेड और उसके नीचे भी छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, ऊपर वाइट कलर का मोती है, नगीना है ग्रीन कलर का और छोटे बड़े बहुत ही पीस लगे हुए हैं। आप इसे 8 ग्राम के समथिंग को ये बन जाएगी। और अगर ये बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं 4 ग्राम में, 4 ग्राम में ये भी बन जाएगी और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, हाथ से बनाएंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। और ये डिज़ाइन जो है तोले के समथिंग को सी ये भी हो जाएगी, जिसमें आपको नीचे मोती लगा हुआ है, उसके नीचे नगीना लगा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में। और ये 12 ग्राम यानी कि समथिंग ये भी तोले के करीब हो जाएगी। और इसमें देखिए ये भी ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको इसमें बता दूं कि मोती लगना बाकी, नीचे जो कड़ी खाली दिख रहा है मोती लगेगा उसमें। दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, नहीं भी आया तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि मुझे ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी या फिर वीडियो अच्छा नहीं लगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पास में आपको घंटी का बटन दिख रहा है उससे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको है जो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।